नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी एक सुंदर फिटिंगदार और मस्कुलर बॉडी पाना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी या फिर बिजी शेड्यूल के कारण हम जिम नहीं जा पाते हैं। और अगर आपको भी इसी टाइप की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप नियमित रूप से अपने घर पर करते हैं तो आप जिम जैसी फिटिंगदार और सुंदर बॉडी घर पर ही बना पाते हैं और बिना किसी इक्विपमेंट के एक सुंदर बॉडी निकाल सकते हैं, कटिंगदार बॉडी आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए जानते हैं कि वो एक्सरसाइजेस कौन से हैं। दोस्तों जब बात एक सुंदर बॉडी की आती है तो उसमें जो मेन मसल्स होते हैं, बड़े मसल्स, वो होते हैं लेग्स, आपका चेस्ट, एब्स, ट्राइसेप, बैक और बाइसेप्स। ये कुछ ऐसे बड़े मसल्स हैं जो अगर आपके गेन हो जाए तो आपकी बॉडी काफी बढ़िया सी कटिंगदार और सुंदर और मस्कुलर बन जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको जो एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं, अगर वो एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आपके ये सारे मसल्स आसानी से काफी बढ़िया से बन जाएंगे और आप जो शर्ट टी शर्ट पहनेंगे वो भी काफी सुंदर दिखाई देगी। तो चलिए जानते हैं पहला एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको करना है स्क्वाट्स, यानी कि उठक बैठक। आप इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, लेकिन आप ध्यान दें शुरुआत में कम स्क्वाट्स लगाएं और धीरे धीरे 100 से 200 तक स्क्वाट्स आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपके स्क्वाट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी भी काफी बढ़िया से गेन हो जाएगी। स्क्वाट्स आपके थाई के साथ आपकी पिंडलियों और पांव के लिए भी काफी बढ़िया होते हैं, पांव को गेन करते हैं। उसके बाद सेकंड मसल जो है इम्पोर्टेंट वो है आपका चेस्ट। चेस्ट को गेन करना भी एक सुंदर बॉडी के लिए काफी बढ़िया होता है। चेस्ट को गेन करने के लिए आप पुशअप्स लगा सकते हैं। शुरुआत में आप कम पुशअप्स लगाएं, नॉर्मल पुशअप लगाएं और उसके बाद आप इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप कर सकते हैं। आप जैसे जैसे पुशअप्स लगाएंगे आपका चेस्ट मजबूत और चौड़ा बनता जाएगा। आप शुरुआत में 10 से 12 पुशअप्स के 3 सेट लगा सकते हैं और फिर रैप्स और सेट बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 वर्कआउट है दोस्तों एब्स के लिए। बॉडी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर आपका पेट बड़ा है तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों एक सुंदर बॉडी में पेट का कम होना भी बहुत ही जरूरी होता है। पेट कम करने के लिए आपको लगाना है सीटअप्स। आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे आपको सीटअप्स लगाने हैं। ये आपकी पेट की चर्बी को कम करता है, मोटापा कम करता है और एब्स को निकालता है। शुरुआत में आप अपनी क्षमता के अनुसार करें और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 वर्कआउट में हम ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप्स को। ट्राइसेप्स हमारे हाथ का सबसे बड़ा मसल होता है। ये हमारे हाथ के डोलों को चौड़ा और मस्कुलर बनाता है, मोटा बनाता है। ट्राइसेप्स के लिए आपको पुशअप लगाना है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप में आपको अपने हाथ डायमंड की शेप में रखने हैं जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं और पुशअप लगाने हैं। ये पुशअप आपको शुरुआत में टफ लगेगा लेकिन आपको धीरे धीरे बढ़ाना है और इसके रैप्स और सेट भी बढ़ाने हैं। ये आपके ट्राइसेप्स को काफी बढ़िया से गेन कर देगा। नंबर 5 वर्कआउट है दोस्तों अपने बैक का। दोस्तों जब तक बैक चौड़ा ना हो हमारी बॉडी चौड़ी और मोटी दिखाई नहीं देती है। अगर हम इन बाकी सारे मसल्स को ट्रेन कर लें तो भी हम मोटे और ताकतवर दिखाई नहीं देंगे जब तक कि हमारा बैक गेन ना हो। बैक हमारे बॉडी को वी शेप में लाता है। बैक के लिए आपको करना है पुलअप्स। पुलअप्स कैसे किया जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं। आप कहीं पर भी पाइप लगा सकते हैं और पुलअप्स कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी वर्कआउट बचा है बाइसेप्स का। बाइसेप्स आपके पुलअप और पुशअप से ट्रेन हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप बॉटल्स, पानी की बॉटल से बाइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ईंटों से कर सकते हैं या फिर आप सीमेंट के घर पर डंबल्स भी बना सकते हैं। सीमेंट के डंबल्स आप कैसे बना सकते हैं आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। उससे आपको अपने बाइसेप्स ट्रेन करने हैं। इससे आपके बाइसेप्स काफी बढ़िया से गेन हो जाएंगे। दोस्तों हफ्ते में एक बार आप एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करें। आपको रोजाना एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं करना है, उससे आपके मसल्स गेन नहीं होते हैं। एक्सरसाइज के बाद मसल्स को रेस्ट देना भी बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। 6 एक्सरसाइज है हफ्ते में, रोजाना एक दिन एक एक्सरसाइज आपको करना है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।